और सबसे पहले देहरादून से बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, डोईवाला सीट से बृजभूषण गैरोला होंगे बीजेपी के उम्मीदवार। इस सीट को लेकर दरअसल पेंच फंसा हुआ है और अभी तक इस सीट पर बीजेपी ने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया। विधानसभा सीट पर बृजभूषण कोरेरा को बताया जा रहा है कि आगे किया जा सकता है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के बेहद ही करीबी माने जाते हैं बृजभूषण कोरेरा, सूत्र बता रखे हैं। तो डोईवाला सीट से उम्मीदवार बृजभूषण कोरेरा, ये एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता हुआ क्योंकि सूत्र यही बता रहे हैं। और इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी रामानुज ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज, डोईवाला सीट पर पेंच लगातार फंसा हुआ है और अब जो नाम सामने आ रहा है बृजभूषण गैरोला का नाम सामने आ रहा है, प्रत्याशी हो सकते हैं वहां से? नामांकन की आज आखिरी तारीख है और आखिरी क्षण भी है और बिल्कुल अब ये कह सकते हैं कि डोईवाला जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश त्रिवेंद्र सिंह रावत की सीट रही है और वहां से उनके बेहद करीबी माने जाने वाले बृजभूषण गैरोला को आज पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित कर सकती है, क्योंकि वक्त बहुत कम है और जिस तरह से आज आखिरी तारीख है नामांकन की, ऐसे में भाजपा के सामने ये जरूर एक तरह का कहें कि चैलेंज है कि आप अंतिम क्षणों में अगर प्रत्याशी बनाते हैं तो नामांकन का जो वक्त है बहुत करीब है, बहुत कम है। तो ऐसे में देखना यही होगा कि आप 2 से 3 घंटे में किस तरह से पार्टी फैसला करती है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ से 2017 में विधायक चुने गए थे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने, तो ऐसे में आज उनके करीबी को टिकट मिलता है या किसी और को, ये जो सस्पेंस है आधिकारिक तौर पर कब खत्म होगा ये देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से बिल्कुल क्योंकि वक्त बहुत कम है रामानुज और सिर्फ यही सीट बची हुई है, इस पर आज जल्दी ऐलान भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।